चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सीखने के नियम को वर्णित किया गया है और सीखने के नियम की यदि बात किया जाए तो हम कहते हैं कि अधिगम के सिद्धांत के उपरांत विचारकों के द्वारा जो सीखने का नियम दिया गया वास्तव में वही सीखने का क्या होता है, नियम होता है। तो आज हम उसी बात को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर के चलते हैं कि पर्यावरण शिक्षण में पैवलाव के नियम का किस प्रकार एक शिक्षक प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर इसको जानने के लिए सर्वप्रथम आपको यह जानना आवश्यक होता है कि एक शब्द आता है व्यवहार में, उद्दीपक शब्द आता है। उद्दीपक शब्द को क्या कहते हैं, सबसे मूल बात यही होती है। तो हम सबसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि वातावरण एवं परिस्थितियों में या बालक के वातावरण में विद्यमान सभी वस्तु जो जीव को प्रभावित करते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहलाते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। मतलब बालक के वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं, विषय वस्तुएं जो जीव को प्रभावित करते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहलाते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। अगर हम इस उद्दीपक को कि अगर यदि हम बात करें कि यह कितने प्रकार का होता है साहब, तो हम कहते हैं कि यह दो प्रकार का होता है और पहले को कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरे को क्या कहते हैं साहब, अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। देखिएगा कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक उस उद्दीपक को कहते हैं जिसमें प्रबल तीव्रता पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है, प्रबल तीव्रता पाई जाती है। और यह प्रबल तीव्रता कुछ इस प्रकार से होती है कि इससे प्राणी स्वतः ही क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। प्राणी क्या हो जाता है, क्रियाशील। और यह क्रियाशील कैसे होता है, वह स्वतः ही क्रियाशील होता है। अब देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे उदाहरण की बात करें कि स्वाभाविक उद्दीपक वे उद्दीपक हैं जिन उद्दीपकों में इतनी तीव्रता विद्यमान होती है, उनके अंदर इतना प्रभाव होता है कि वे अपने प्रति अनुक्रिया के लिए जीव की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे उद्दीपक को हम क्या कहते हैं साहब, स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ गया, क्या आपका पैर पूछता है कि उठूं कि ना उठूं? नहीं, बल्कि उस उद्दीपक में इतनी तीव्रता थी कि उसने पैर उठने की क्रिया अपने आप आपसे करा दिया। ऐसे उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। एक दूसरा उदाहरण कि अगर गर्म भगोना हमारे हाथ से टच कर जाए तो क्या आपका हाथ पूछता है कि हटू कि ना हटू? बल्कि वो स्वतः ही क्या होता है, हट जाता है। इसका मतलब कि वह ऐसा उद्दीपक, कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक, जिसमें इतनी प्रबल तीव्रता होती है कि वो प्राणी को स्वतः कैसा क्रियाशील करता, स्वतः क्रियाशील करता है और यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर, प्राणी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक दूसरे तरह का उद्दीपक होता है जिसको हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। यह वह उद्दीपक होता है जो कि प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हम रोज कोचिंग आते हैं अपने कमरे से, हमें रोजाना दैनिक उपयोग के वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और कोचिंग आते समय उसके दुकान रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन क्या साहब वो दुकान अपने आप आपको अपने अंदर खींच लेते हैं? नहीं, बल्कि जब आपको उसकी आवश्यकता होती है तब आप उस दुकान पे जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्राणी की इच्छा पर निर्भर करते। तो हमने यहाँ पे सामान्य शब्दों में समझा कि उद्दीपक किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु, विषय वस्तु जो जीव को प्रभावित करती, मनोविज्ञान के भाषा में उद्दीपक कहलाती।
बालक के वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जो आने पे स्वतः ही जीव से अनुक्रिया करा देते हैं, साफ स्वाभाविक उद्दीपक, और जो प्राणी की इच्छा पर जिसकी अनुक्रिया निर्भर करता है उसको हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक। तो यहाँ तक हमने आप हम आप मिलकर के समझे। अब हम एक सामान्य सी आपसे बात करेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि किसी भी भूखे व्यक्ति के सामने भोजन का आना और लार का स्राव होना साहब एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूख लगने पे हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर लार का स्राव होता क्यों है। तो साहब, लार में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो खाना खाते समय हमारे भोजन में मिलना आवश्यक होता है, और वो मिल के जाते हैं जिससे हमारी आंत उसको अच्छे से पचा पाती। एक उदाहरण बताऊंगा कि आपने ये अपने आप ही सुना होगा कि कल मैंने ज़्यादा खाना खा लिया था, आज मुझे अपच हो गया, उल्टी हो गई। ऐसा क्यों होता है? आप रोजाना जितना खाना खाते हैं रोजाना उतनी मात्रा में लार निकलता है। एक दिन आपने ज़्यादा खाया तो लार तो उतनी मात्रा में निकला जितना रोज खाया, तो आप जो ज़्यादा खाए उसमें उचित मात्रा में लार नहीं मिल पाया और वह हमारे आंत उसको अच्छे से पचा नहीं पाई, हमारे पेट में दर्द होने लगा, उल्टी होने लगी। तो हमने ये बात जाना कि लार का स्रावित होना भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। हम यहाँ पे पेवलाव साहब के नियम से को पर्यावरण शिक्षण के साथ को रिलेट करें, इसके लिए हमें एक बात जानना पड़ेगा कि पेवलाव साहब ने प्रयोग क्या किया था। तो सीधे तौर पे यहाँ पे समझिएगा कि पेवलाव साहब ने एक कमरे का सहारा लिया प्रयोग करने के लिए, और उस कमरे में को इन्होंने प्रकाश और वायु इत्यादि ध्वनि इत्यादि की मात्रा को नियंत्रित किया कि ये सब प्रयोग करते समय या वो जो सीखने की क्रिया चलने वाली थी उस दौरान ये प्रभावित ना करे। तो उन्होंने किया, और उन्होंने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया, और कुत्ते को भूखा रखा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि पेवलाव ने भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया, थांडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया, स्कीनर ने भूखे चूहे पर किया, कोहलर ने भूखे बनमानुष पर। आखिरकार क्या कारण है कि सारे मनोवैज्ञानिक ने सभी जीव के भूख पर प्रयोग किया? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए साहब, सबने क्या किया था? प्रयोग किया था। कोई भी प्रयोग प्रभावी तभी होता है जब वह कम से कम समय में अपना रिजल्ट सबमिट कर दे। जैसे हम ये कहें कि आज रात 12 बजे भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, तो साहब हमारे अंदर इतनी उत्सुकता आई कि हम सारा काम छोड़ करके उस साधन के सामने बैठ जाए जहां से इसका इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन कहा जाए कि भारत 2045 में पाकिस्तान पर आक्रमण करे, देखिए कैसा परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए कि प्रयोग जितना कम समय में अपना रिजल्ट देता है वो उतना ही प्रभावशाली होता है, और भूख एक ऐसी क्रिया है जो एक ही दिन में कई बार लग जाती है। तो मतलब अपना प्रयोग एक ही दिन में कई बार क्या किया जा सके? भाई आप बताओ ना, कम से कम दो बार तो आपको भूख लग ही जाता होगा। तो इसलिए प्रयोग को जल्दी से जल्दी दोहरा करके उसकी व्याख्या कर दी जाए। इसलिए सारे के सारे मनोवैज्ञानिक आप देखते होंगे उन्होंने किस पर प्रयोग किया? भूख पर प्रयोग किया। तो उसी क्रम में पेवलाव साहब ने भूखे कुत्ते को लिया और कमरे को एक नियंत्रित वातावरण सृजित किया। एक महत्वपूर्ण बात कि पेवलाव साहब पेशे से मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि पेशे से वे एक डॉक्टर थे, और वे करने जा रहे थे क्या? पीएचडी। और वो पीएचडी करने जा रहे थे। पीएचडी किसी न किसी टॉपिक पे पूरी की जाती है, और पेवलाव साहब को पीएचडी की जो टॉपिक मिली थी वह मिला था लारमय अनुबंधन, मतलब लार को किसी उद्दीपक के साथ जोड़ करके सीखने के नियम को प्रतिपादित किया जाए। तो उन्होंने कुत्ते के इस लार स्राव के ग्रंथि या ग्लैंड्स को ऑपरेशन करके बाहर की ओर निकाल दिया, जिससे कि लार स्राव होने वाली मात्रा को मापा जा सके और उसका अध्ययन किया जा सके।
अब देखिए प्रयोग के लिए पूरी परिस्थिति तैयार हो गई। अब पेवलाव साहब ने क्या किया कि सर्वप्रथम भूखे कुत्ते को एक ऐसे स्टैंड के सहारे बांध दिया साहब कि वो ना हिलडुल सकता था, कोई क्रिया नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ग्रंथियां बाहर निकली थी और उसमें नली लगी थी। अब वे कहते हैं कि पेवलाव साहब देखिए अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं सर्वप्रथम कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत किया। साहब भोजन कैसी है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब यह एक स्वाभाविक उद्दीपक है। जब मैं कुत्ते के सामने भोजन को प्रकट किया तो कुत्ता लार स्राव की क्रिया करता हुआ पाया गया। मतलब मैंने स्वाभाविक उद्दीपक, भाई भोजन कैसा उद्दीपक, अभी जाना था स्वाभाविक उद्दीपक, और लार का आना कैसा अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। आगे के क्रम में पेवलाव साहब लिखते हैं कि मैं आगे चल करके इस भोजन में हमने घंटी को मिला दिया। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक में हमने नियंत्रित उद्दीपक को अनुबंधित किया, और उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया, मतलब उन्होंने शर्त बताया कि ये मिलाने का क्रम चंद मिली सेकेंड का होना चाहिए कि कुत्ता उसमें अंतर ना कर पाए, कर पाया तो फिर आपका काम नहीं होने वाला। उन्होंने कहा जब मैं पहले चंद मिली सेकेंड पहले अनुबंधित उद्दीपक घंटी बजाई और उसी चंद सेकंड के अंदर भोजन दे दिया, तो फिर से वैसी ही अनुक्रिया किया, कैसी, वह लार को स्रावित कर दिया। फिर कहते हैं कि मैं प्रयोग की संख्या को लगातार बढ़ाता गया, मतलब कि भोजन और घंटी को अनुबंधित करने की घटना को बढ़ाता गया, और कुत्ते ने अनुकरण के द्वारा घंटी एक बार मैंने बजाई। एक ऐसा समय आया कि मैंने सिर्फ घंटी बजाई और उस घंटी पर ही कुत्ते ने क्या कर दिया, लार स्राव कर दिया। अनुकरण का मतलब होता है देखे गए व्यवहार को क्या कर देना, दुहराव करना। तो अब कुत्ता समझने लगा कि घंटी इसीलिए बजती है कि हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है, इसलिए घंटी की आवाज पे उसने क्या कर दिया, लार स्राव कर दिया। तो साहब अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक जब आता है तो प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया गया तो भी इसने स्वाभाविक किया, लेकिन जब केवल अनुबंधित उद्दीपक घंटी बजाई गई तो यहाँ पे प्राणी ने केवल अनुबंधित अनुक्रिया किया। क्या हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाए? बिल्कुल। तो अब हम आगे आते हैं अपने विषय पर कि एक पर्यावरण शिक्षक में एक शिक्षक कैसे इसका प्रयोग करता है। तो साहब हम सीधे तौर पे हम यहाँ पर पहले क्रम पर बात करते हैं कि हमने देखिए यहाँ पे दो बात, सबसे पहले तो इनके सिद्धांत से निकाल लिया कि इन्होंने स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक में अनुबंधन का प्रयोग किया हुआ था। किसका प्रयोग किया था साहब, अनुबंधन का। और सीखने की क्रिया उस कुत्ते ने किस विधि के द्वारा किया था साहब, अनुकरण के द्वारा किया हुआ था। हमने इस प्रयोग से दो शब्द निकाला। अब चलते हैं, अब अपना हुलिया बदल करके हम बन जाते हैं पर्यावरण का शिक्षक, मनोविज्ञान का काम खत्म। अब अगली लाइन कहती है कि एक पर्यावरण शिक्षक को शिक्षण करने से पहले पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए साहब, उसका विश्लेषण करना चाहिए। देखिए समझिएगा अभी कि पर्यावरण शिक्षक को शिक्षण करने से पहले पर्यावरण की जो किताब है उसके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का क्या कर देना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। जब शिक्षक विश्लेषण करेगा तो उसको दो प्रकार के उसमें प्रकरण का मतलब होता है पाठ, लेकिन सीटेट प्रकरण शब्द का प्रयोग करता है, तो उसको दो प्रकार के पाठ मिलेंगे। एक ऐसे पाठ मिलेंगे जो बालक के वातावरण परिवेश में सीधे तौर पर पाए जाते हैं, मतलब उससे संबंधित होंगे, और ऐसे प्रकरण को हम कहते हैं क्या, सरल
प्रकरण कहते हैं, जो बालक के परिवेश में पाए जाते हैं। प्रकरण को हम सरल भाषा में क्या जानते हैं, पाठ जानते हैं। और एक ऐसे प्रकरण पाए जाएंगे जो कि बालक के वातावरण में सीधे तौर पे नहीं पाए जाते, ऐसे प्रकरण को हम कैसे प्रकरण के नाम से जानते हैं साहब, कठिन प्रकरण। तो एक शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम का अवलोकन करते समय जो वातावरण में पाए जाते हैं सरल प्रकरण, कठिन प्रकरण में क्या करना चाहिए, वर्गीकृत कर देना चाहिए। देखिएगा आगे की लाइन कहती है कि शिक्षक को ये वर्गीकरण करने के पश्चात जो उसके वातावरण में नहीं पाए जाते या कठिनाई से पाए जाते, जिनको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करेगा, इस प्रकरण को छोटे 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 खंडों में विभाजित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना चाहिए। आगे की लाइन क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक को शिक्षण करते समय सरल प्रकरण के साथ ही इस छोटे छोटे खंड को प्रस्तुत करना को अनुबंधित करते हुए बालक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक अनुकरण की क्रिया के द्वारा सरल प्रकरण के साथ ही कठिन प्रकरण को भी आसानी से क्या कर जाता है, सीख जाता है। इस प्रकार हमने क्या जाना कि आज हमने ये बात जाना कि किसी शिक्षक को, पर्यावरण शिक्षक को सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना चाहिए, और जो उसके परिवेश में सीधे पाए जाते हैं सरल प्रकरण, और जो नहीं पाए जाते कठिन प्रकरण का वर्गीकरण कर देना चाहिए। कठिन प्रकरण को साहब हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, और इसके बाद कठिन प्रकरण के छोटे छोटे खंडों को सरल प्रकरण के साथ अनुबंधित करते हुए हमें बालक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक अनुकरण की क्रिया के द्वारा कठिन प्रकरण को सहजता के साथ क्या कर जाए साहब, सीख जाए, और आपका किया गया शिक्षण कैसा शिक्षण हो, प्रभावशाली शिक्षण कहलाए, और आप एक श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की कैटेगरी में आ जाएं। तो आज हमने सीखा कि पेवलाव साहब के नियम का कैसे पर्यावरण शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते, थैंक यू।